अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप में से बहुत से लोग जो हैं मुझसे MBBS लाइफ और MBBS में जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं उसके बारे में पूछते हैं, तो आई थॉट कि मैं एक इसके ऊपर वीडियो बना देती हूँ। तो इस वीडियो में आपको अपनी सारी MBBS में जो फर्स्ट ईयर में बुक्स पढ़ती हूँ मैं, वो सारी दिखाऊंगी। और एक्चुअली बहुत सारी बुक्स होती हैं रिकमेंडेड, लेकिन आपने ना सिर्फ सेलेक्टिव बुक्स पढ़नी होती है, तो मैं आपको सिर्फ वो दिखाऊंगी जो कि मैं पढ़ती हूँ, जो कि मुझे मेरे टीचर्स और सीनियर्स ने रिकमेंड किए हैं। फर्स्ट ईयर MBBS में हमारे पास होते हैं 3 सब्जेक्ट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटमी। और एनाटमी जो है उसको आगे से मज़ीद 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ग्रॉस एनाटमी, जनरल एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी। तो ये जो सबसे पहले आपको बुक दिखाई दे रही है ना, ये है हिस्टोलॉजी की। और ये उसके बाद जो आपको दिखाई दे रही है, ये है एम्ब्रियो की बुक। और हिस्टो की जो बुक है मैंने लाइक हुसैन जो राइटर हैं वो वाली ली है। और एम्ब्रियो जो है ये KLM है। और उसके बाद है BD शराज़, दिस वन इज़ फॉर ग्रॉस एनाटमी। और जो ग्रॉस एनाटमी की बुक है ये जो ऊपर वाली है, डेट इज़ फॉर अपर लिम्ब एंड थोरैक्स। और जिसमें Volume 2 है, डेट इज़ फॉर लोअर लिम्ब। और उसके बाद ही ये जो है KLM, दिस वन इज़ ऑल्सो फॉर एनाटमी। और इसकी बुक ना काफ़ी थिक थी, सो आई गॉट मैंने ना इसकी पार्टीशंस करवा ली थी इस तरह से, ताकि इसको कैरी करने में आसानी हो। तो MBBS में ना बुक्स काफ़ी थिक होती हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको ना पार्टीशन करवा लो, तो इसलिए इजी रहता है। और ये है एटलस, इसमें एनाटमी जो है उसकी काफ़ी सारी डायग्राम्स बनी होती हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड बुक एक्चुअली डायग्राम्स वगैरह के लिए। तो ये हमारी एटलस है एनाटमी की। और उसके बाद जर्नल्स हैं, जर्नल्स में ये हिस्टोलॉजी का हमारा जर्नल है, और इसमें आप इसको प्रैक्टिकल कॉपीज भी कह सकते हैं, तो ये हमारी प्रैक्टिकल कॉपी है और जिसके ऊपर अभी मैंने बहुत कम काम किया हुआ है। और दिस वन इज़ फॉर एनाटमी की ड्राइंग बुक है, ग्रॉस एनाटमी के लिए। और ये मेरा बायोकेमिस्ट्री का जर्नल है, यानी कि बायोकेमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपी। और ये जो नीचे वाली है, डेट इज़ फॉर फिजियोलॉजी। तो ओवरऑल मेरे पास 4 जर्नल्स हैं जिसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल्स वगैरह करने होते हैं। और ये वाली जो छोटी बुक है, डेट इज़ फॉर जनरल एनाटमी, GA इसको हम कहते हैं। और ये मैंने ली है गुलाम अहमद जो है राइटर, उनके लिए। और अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। तो बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली वी हैव द रिकमेंडेड बुक इज़ लिपिनकॉट। तो इसका नाम आप अक्सर सुनने के, मेरे ख्याल से तकरीबन हर मेडिकल कॉलेज में ना ये ज़रूर पढ़नी होती है आपने। और उसके अलावा जो मेरी एक सीनियर ने मुझे दी थी, ये सत्या, तो वैसे अभी तक मैंने इसको पढ़ा नहीं है, बट आई स्टिल हैव इट। अब अगर फिजियो की बात करें, तो फिजियो के लिए जो रिकमेंडेड बुक है, डेट इज़ गाइटन एंड हॉल। और गाइटन एंड हॉल जो है मेरे ख्याल से हर मेडिकल कॉलेज में यही बुक पढ़ाई जाती है। और दिस इज़ द थिकेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक आई हैव। इसकी थिकनेस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ द ओरिजिनल वर्जन। जो ओरिजिनल वर्जन में बुक्स होती है ना मेडिकल की, उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और उनकी जो प्राइस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो मेरे पास है, डेट इज़ ओरिजिनल वर्जन, पायरेटेड मुझे मिला नहीं था, तो आई हैड टू बाय दिस वन। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, थिक भी है, और इसका वेट भी काफ़ी सारा है। और उसके बाद ये वाली जो बुक है, डेट इज़ फॉर मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, जो कि मुश्ताक अहमद इसके राइटर हैं, तो ये बायोकेमिस्ट्री के लिए हम पढ़ते हैं। तो ओवरऑल बायोकेमिस्ट्री के लिए मेरे ख्याल से मेरे पास 3 बुक्स हैं। और ये वाली जो बुक है, दिस वन इज़ अ शॉर्ट बुक, जो कि बुक शॉप वाले अंकल फ्री में दे रहे थे, हमने ले ली थी। वैसे मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं है। तो ये ना गाइडन जो ये मैंने आपको बुक दिखाई ना, इसका ही शॉर्ट वर्जन है ये। तो शॉर्ट बुक्स आर नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि इससे बेहतर है कि आप जो है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो बेहतर है कि आप जो है दूसरी बुक्स पढ़ें, जो कि जो मतलब ओरिजिनल बुक्स होती हैं उनको पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है। तो दीज आर ऑल माई बुक्स एंड जर्नल्स, जो कि इतने सारे थे कि उनको मुझे यहाँ पर सेट करके इस तरह से दिखाना पड़ा। तो अब आप काउंट करके मुझे बताएं कि आपने कितनी मेरी बुक्स देखी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू चैनल। अल्लाह हाफिज़।